So now coming to SS 705, that is modifications to the opinion in the independent auditor's report. अब देखना भाई, ऑडिटर का ओपिनियन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है. एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन जिसके लिए 700 लगेगा, और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन जिसके लिए ऐसा 705 लगेगा. अब देखना अल्टीमेटली ऑडिटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था ओपिनियन देना, रिजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है या नहीं है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है तो यानी कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है तो वहां पे हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए आ जाता है एसएस 705 और स्टैंडर्ड का नाम बन जाता है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब दूसरा सवाल क्या आएगा, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जी हाँ, तो कितना मॉडिफिकेशन की जरूरत है, किस एक्सटेंट तक मॉडिफिकेशन की जरूरत है, थोड़ा मोरा मिस स्टेटमेंट है या ज्यादा मिस स्टेटमेंट है, तो मतलब मॉडिफिकेशन के भी टाइप्स हो सकते हैं, है ना. तो ऐसा 705 बोलता है कि मॉडिफिकेशन के तीन टाइप्स हैं, पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा डिस्क्लेमर. क्या है, पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा डिस्क्लेमर. अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, तो एकदम सिंपल भाषा में क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब एज ए ऑडिटर मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्या बोल रहा हूं मैं, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ी मोड़ी गलतियां हैं, देर आर सम स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो आई एम क्वालिफाइंग माई रिपोर्ट. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, बट देर आर सर्टेन एरियाज जिसमें गलतियां हैं, जिसमें मिस स्टेटमेंट है, तो वो है क्वालिफाइड ओपिनियन. तो रिपोर्टिंग इस तरीके से होगा, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर. ओके सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है. एक्सेप्ट फॉर, फिर दो शब्द आएंगे एक्सेप्ट फॉर. अरे रुक जा, ध्यान से सेंटेंस पर, दो शब्द हैं एक्सेप्ट फॉर, और फिर उस दो शब्द के बाद हम बताएंगे अरे भाई वो इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का गलती हो गया था, अरे भाई यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया था, बट उसके अलावा सब कुछ सही है. तो वो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन, दिक्कत तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है. दूसरा हो गया एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या हो गया, अरे भाई नाम से पता चल रहा है एडवर्स, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है नहीं, सब कुछ खराब है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेटरली मिस स्टेटेड है, तो वो हो गया डिस्क्लेमर, सॉरी एडवर्स. और तीसरा हो गया डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर, अब डिस्क्लेमर क्या होता है भाई, डिस्क्लेमर क्या होता है, डिस्क्लेमर मतलब एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस होता है कि यार मेरे को एविडेंस नहीं मिला, मेरे को एविडेंस नहीं मिला, मिला बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, मेरे को एविडेंस नहीं मिला बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, तब मैं दूंगा डिस्क्लेमर. अब थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझते हैं, देखना टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. अब चार वर्ड ध्यान रखो, पहला SAA, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दूसरा मिस स्टेटमेंट, तीसरा मैटलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, चौथा परवेसिवनेस. ये चार वर्ड ध्यान रहेंगे आप सब कुछ फ्रेम कर लोगे. पहला क्या, SAA, कि ऑडिटर देखेगा सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला कि नहीं मिला. दूसरा एविडेंस किस चीज के बारे में, मिस स्टेटमेंट के बारे में. तीसरा कौन सा मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट. और चौथा जो मिस स्टेटमेंट मिला, पहले तो ये देखेंगे मटेरियल है कि नहीं है, और फिर ये देखेंगे परवेसिव है कि नहीं है. परवेसिव का मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सटेंशियली इफेक्ट करता है कि नहीं करता. एक होता है वो मिस स्टेटमेंट जो परवेसिव नहीं है, किसी स्पेसिफिक लाइन आइटम को अफेक्ट करता है, और एक होता है वो मिस स्टेटमेंट जो परवेसिव है, यानी कि पूरा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सटेंशियली इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं परवेसिवनेस. क्या बोलते हैं, परवेसिवनेस. ओके सर, तो चार वर्ड्स ठीक है ना, SAA, मिस स्टेटमेंट, मैटलिटी, परवेसिव. अब ध्यान रखिए, सबसे पहले आता है क्वालिफाइड ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब मुझे SAA मिला या फिर मुझे SAA नहीं मिला, मुझे SAA मिला या फिर मुझे SAA नहीं मिला. तो क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, SAA मिला, SAA नहीं मिला, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं. मगर पॉसिबिलिटी कुछ भी हो, ऐसे ही मिला या SAA नहीं मिला, एक चीज सेम है क्वालिफाइड ओपिनियन में, क्या कि गलतियां तो है बट उतना ज्यादा नहीं है, मिस स्टेटमेंट तो है बट उतना ज्यादा नहीं है.
किसी स्पेसिफिक लाइन आइटम को अफेक्ट कर रहा है, मिसस्टेटमेंट, परवेसिव नहीं है, समझ रहे हो, परवेसिव नहीं है, इतना क्लियर है? ठीक, एक चीज और बोल रहा हूं, वो भी अपने दिमाग में बिल्ड कर लेना। अगर तुम एस डबल ई ऑब्टेन कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट असेस कर पाओगे। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर तुम एस डबल ई ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट कंक्लूड नहीं कर पाओगे, तुम सिर्फ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट का अंदाजा लगा पाओगे। तो अगर तुम एस डबल ए ले रहे हो तो तुमको मिलेगा एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर तुम एस डबल ए नहीं ले रहे हो तो तुमको मिलेगा पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट। इतना क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके सर, अब देखना एकदम चकाचक होगा। क्वालिफाइड ओपिनियन, तो क्वालिफाइड ओपिनियन के दो पार्ट्स हैं, पहला एस डबल ए मिला, दूसरा एस डबल ए नहीं मिला। ओके, तो पहला ऑडिटर को एस डबल ए मिला और ऑडिटर कंक्लूड कर पा रहा है कि मिस स्टेटमेंट जो है मटेरियल तो है मगर परवेसिव नहीं है। दूसरा ऑडिटर को एस डब्ल्यू ई नहीं मिला जिसके बेस में उसको ओपिनियन फॉर्म करना है, इसलिए ऑडिटर एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट असेस नहीं कर पा रहा, बट ऑडिटर कंक्लूड कर पा रहा है पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा मिस स्टेटमेंट का। ऑडिटर कंक्लूड कर पा रहा है जो पॉसिबल इफेक्ट होगा मिस स्टेटमेंट का वो मटेरियल तो होगा बट परवेसिव नहीं होगा, तभी तो वो क्वालिफाई दे सकता है ना, रिजर्वेशन दे सकता है ना। तो ये हो गया क्वालिफाइड ओपिनियन। और इसमें रिपोर्टिंग किस प्रकार से होगा? इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर अस एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर। एक चीज ध्यान रखना, एज ए ऑडिटर आपको हर चीज का रीजन बताना होता है। आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ बनाया था। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आपको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देना रहेगा। अगर आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो आपको बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन देना रहेगा। अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर देना रहेगा। उसके बाद आता है एडवर्स। अब एडवर्स में एक ही पॉसिबिलिटी है, एस डब्ल्यू ई मिला, और एस डब्ल्यू ई मिला और तुमने क्या कंक्लूड किया? तुमने ये कंक्लूड करा कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, मतलब जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब्सटेंशियली अफेक्ट भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ फ्रॉड, फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ फ्रॉड, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, समझ रहे हो ना? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड होगा। कोई मेटल फ्रॉड है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड होगा। तो एडवर्स ओपिनियन, तो इसमें क्या हो गया? एस डबल ई मिला और आपने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है परवेसिव भी है। ठीक है जी, तो ड्राफ्टिंग कैसे होगा इसका? ड्राफ्टिंग कैसे होगा? अब देखना, यहां पे वो एक्सेप्ट फॉर वाला लैंग्वेज आएगा नहीं, यहां तो सीधा सीधा आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू एंड फेयर। तो यहां ड्राफ्टिंग कैसे होगा? इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और फिर आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब क्या हो गया? मेरे को एस डब्ल्यू नहीं मिला, मेरे को एविडेंस नहीं मिला, अगर मेरे को एविडेंस नहीं मिला तो मैं एक्चुअल इफेक्ट असेस करूंगा या पॉसिबल इफेक्ट? पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है। एविडेंस नहीं मिला बट मेरे को लग रहा है बहुत बुरा है, बट मेरे को लग रहा है कि बहुत बुरा है मतलब मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी होगा परवेसिव भी होगा। तो ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एस डब्ल्यू एंड अकॉर्डिंगली ऑडिटर कंक्लूड्स दैट जो पॉसिबल इफेक्ट होने वाला है मिसस्टेटमेंट का वो मेटेरियल भी है और परवेसिव भी है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं पॉसिबल इफेक्ट होने वाला मिस स्टेटमेंट का या एक्चुअल इफेक्ट होने वाला मिस स्टेटमेंट का, हम वर्ड यूज करते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। क्योंकि अगर करेक्टेड मिस स्टेटमेंट है तो फिर तो तुम मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे ही नहीं, फिर तो तुम क्लीन ओपिनियन दोगे। अल्टीमेटली मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट, तभी जाके तुम क्या करोगे? रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे। दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है ना? तो एस डबल ई नहीं मिला और एस डबल ई एक मटेरियल पोर्शन का नहीं मिला, सब्सटेंशियल पोर्शन का नहीं मिला, ठीक है ना? मतलब 90% एरिया का नहीं मिला मान लो, और तुमको लग रहा है कि यार वो जो एरिया है वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है। तो डिस्क्लेमर कैसे, अब इस डिस्क्लेमर का ड्राफ्टिंग कैसे होगा? अब डिस्क्लेमर में क्या हो रहा है, तुमको एस डबल ई नहीं मिला तो अकॉर्डिंगली तुम ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, तो किस तरीके से ड्राफ्टिंग कर रहे हो तुम? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर described in the basis for disclaimer of opinion paragraph, we have not been able to obtain SEE to provide a basis for audit opinion. Accordingly, we do not express any opinion. अब एक चीज याद रखिएगा, अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है तो की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट में नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर दे रहा है तो की ऑडिट मैटर्स रिपोर्ट में नहीं आएगा। इसका क्या लॉजिक है? की ऑडिट मैटर्स का मतलब क्या होता है? कि ऑडिट करते वक्त जो भी सिग्निफिकेंट बातें ऑडिट में मिली
वो की ऑडिट मैटर्स में जाएगा। अरे भाई तूने ऑडिट ही नहीं किया, तेरे को एविडेंस ही नहीं मिला, तेरे को सिग्निफिकेंट बातें कहां से पता चली? नहीं पता चली ना, मामू बना रहे, की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। तो डिस्क्लेमर इश्यू करा मतलब की ऑडिट मैटर्स नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बन रहा हो, या फिर हो सकता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से बन रहा हो। तो जब आप रिपोर्टिंग करते हो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तो आप ट्रू एंड फेयर व्यू के फ्रेजेस यूज करोगे, क्योंकि वहां पे मेन एजेंडा क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना। लेकिन अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तो वहां पे आप ट्रू एंड फेयर व्यू यूज नहीं करोगे, क्योंकि वहां मेन एजेंडा फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना नहीं है, वहां मेन एजेंडा कंप्लायंस विद एफआरएफ है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पेशल कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, या जब भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करोगे तब अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हो तब आप कैसे रिपोर्ट करोगे, या फिर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हो तब आप कैसे ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, एकदम सिंपल है। अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे हो तो आप ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना। तो व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आप किस प्रकार से रिपोर्ट करोगे, दैट एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, कि उन बातों को छोड़कर जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ में दी गई है हम ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। लेकिन अगर हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करें तो हम ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, सीधा सीधी एफआरएफ। और क्वालिफाइड ओपिनियन के दो कंडीशंस होते हैं, एक एसडब्ल्यूई मिला दूसरा एसडब्ल्यूई नहीं मिला। तो ये पहला रिपोर्टिंग किस हिसाब से है कि एसडब्ल्यूई मिला, एसडब्ल्यूई मिला। अगर एसडब्ल्यूई नहीं मिला, अगर एसडब्ल्यूई नहीं मिला तो पूरा का पूरा कहानी सेम रहेगा, खाली इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट की जगह पॉसिबल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। जो यहां पे वर्ड आपने इफेक्ट यूज किया था, effects of the matters described in the basis for qualified opinion section, इसकी जगह आ जाएगा possible effects of the matter, described in the basis of qualified opinion section। अब हम adverse opinion देंगे तो यहां भी same कहानी होगी, या fair presentation framework के सबसे report करोगे तब आप क्या बोलोगे कि the financial statement are not true and fair। लेकिन अगर आप compliance framework के सबसे report करोगे तो आप बोलोगे financial statements have not been prepared as per the financial reporting framework। और अगर डिस्क्लेमर दोगे तो भैया यहां तो वो फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क का एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि यहां तो तुम ओपिनियन दे ही नहीं रहे हो, तो यहां तो तुम क्लियर कट मैनर में स्टेट कर दोगे दैट हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। अब लॉजिकली एक चीज सोचना, क्या सोचना, एसएस 700 में अपन ने जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखा था, अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करोगे तो उस फॉर्मेट में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन इश्यू करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे मान लो, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। अगर आप एडवर्स ओपिनियन दोगे तो बेसिस ऑफ ओपिनियन बन जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। और सबसे सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे जब आप डिस्क्लेमर दोगे कि बेसिस फॉर ओपिनियन बन जाएगा बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, फिर वो की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ हट जाएगा, एक पैराग्राफ माइनस हो जाएगा। और लॉजिकली सोचो कि डिस्क्लेमर जब आप इश्यू करोगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, हमने ऑडिट नहीं किया, हमने स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किए, हम स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर। डिस्क्लेमर का मतलब ही क्या हो गया, हमने ऑडिट नहीं किया, हमने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करा, हमने ऑडिट नहीं करा, ठीक है। तो जहां जहां आपने लिखा था वी हैव ऑडिटेड वहां आप लिखोगे वी आर अनएबल टू ऑडिट, जहां जहां लिखा था वहां वी आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन वहां आप बताओगे वी आर अनएबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ था वो चेंज हो जाएगा, वो अमेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ था वो भी अमेंड हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो लॉजिकली समझो इस चीज को कि जब भी ऑडिटर डिस्क्लेमर इशू करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में उसे चेंजेस करने होंगे। एक तो वो जो स्टेटमेंट इशू कर रहा था, स्टेटमेंट बता रहा था वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, वी हैव कंप्लाइड द स्टैंडर्ड्स, वो सारा अमेंड होगा। जहां वो बोल रहा था वी हैव ऑब्टेंड एसडब्ल्यूई अब वो बोलेगा वी हैव नॉट ऑब्टेंड एसडब्ल्यूई, जहां वो बोल रहा था वी हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन वहां वो बोलेगा वी हैव नॉट फॉर्म्ड एन ओपिनियन, ठीक है ना। तो वो सारे चेंजेस आएंगे
आई थिंक इट इज क्वाइट लॉजिकल कि वो सारे क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे अगर हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर का ओपिनियन देंगे, अगर हम डिस्क्लेमर देंगे. और नॉर्मली अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो सिंपल चेंजेस आएंगे कि जो ओपिनियन पैराग्राफ है वो बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, जो एडवर्स पैराग्राफ है वो बन जाएगा बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, और जो डिस्क्लेमर पैराग्राफ है वो बन जाएगा बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर. और वो जो बेसिस वाला पैराग्राफ होगा बेसिस ऑफ क्वालिफाइड या बेसिस ऑफ एडवर्स या बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, उसमें लॉजिकली सोचो क्या होगा कि जो मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से तुम रिपोर्ट को क्वालिफाई ओपिनियन दे रहे हो या एडवर्स दे रहे हो या डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो प्रैक्टिकली जो मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से तुम क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो या एडवर्स दे रहे हो, तुम उस मिसस्टेटमेंट को क्वांटिफाई करोगे. तुम बताओगे कितना मिसस्टेटमेंट है, कितने अमाउंट का मिसस्टेटमेंट है, तुम क्या करोगे क्वांटिफाई करोगे, है ना. अगर 5 लाख का इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में दिक्कत है उसकी वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो तुम बताओगे 5 लाख के वैल्यूएशन में दिक्कत है, तो प्रैक्टिकली यू आर गोइंग टू क्वांटिफाई दैट. आई बिलीव दैट इज क्लियर. So these are the important areas that you need to remember in SS705, that is modifications to the opinion in the independent auditor's report. अच्छा एक बात और, इस particular standard में आपको एक topic दिखेगा, consequence of an inability to obtain SAAE due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. ठीक है, कि पहले जब audit accept किया था management limitation नहीं लगाया, बाद में management limitation लगा दिया, उसकी वजह से हम एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाए. तो इतना तो क्लियर है कि अपन डिस्क्लेमर इशू करेंगे. क्या करेंगे? डिस्क्लेमर इशू करेंगे, क्योंकि भाई पहले मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं लगाया, बाद में मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दिया, उसकी वजह से हम SAAE नहीं ले पा रहे. तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम वहां डिस्क्लेमर देने के बारे में सोचेंगे, या तो हम एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे, या तो हम डिस्क्लेमर के बारे में सोचेंगे, या तो हम एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे. दो ही सिचुएशंस होते हैं वहां पे, ठीक है. बाकी इस टॉपिक को अभी फिलहाल मैंने डिटेल में नहीं लिया है, बिकॉज दिस विल बी कवरिंग इन SA210. कहां कवर करने वाले हैं? SA210, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कवर करने वाले हैं. अभी के लिए खाली इतना ध्यान रखो कि अगर मैनेजमेंट ने तुम्हारी काम में लिमिटेशन लगाया है तो या तो तुम डिस्क्लेमर इशू करोगे या तुम एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के बारे में सोचोगे. अभी फिलहाल के लिए बस ये दो बातें याद रखो, और यहां कंप्लीट होता है हमारा 705.